गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि केमिस्ट्री क्लास 10th में इंग्लिश मीडियम में चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चल रहा था, और इसी में थोड़ा सा देखते हम लोग आगे बहुत सारी रिएक्शनें बताई थी। शायद लास्ट में हमें ध्यान आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताई थी, और डिस्प्लेसमेंट के बाद में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बताई थी। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उम्मीद करते हैं कि वो आपको समझ में आई हो, ठीक है। और उसके पहले बहुत सारी रिएक्शन बताई थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वगैरह, और विथ एग्जांपल बताए थे, और वो सारी आप याद करते चलिए। जो आपको समझ में ना आए वो आप बताते भी चलिए, ठीक है। तो चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। ये चैप्टर का नाम था। इसमें थोड़ा समझ लेते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद में क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन तो समझते हैं कि क्या होता है। देखिए, ऑक्सीडेशन का सीधा सा मतलब है कि जब कहीं ऑक्सीजन क्या हो जाती है, किसी चीज़ में ऐड हो जाती है जाके। ऑक्सीजन क्या होती है, किसी से रिएक्ट कर लेती है। कहीं पर ऑक्सीजन आई और किसी से रिएक्ट कर ली और कुछ बनाया उसने। मीन्स आप इतना समझ लीजिए कि जब किसी मेटल से, जब किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो वहाँ पर जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। डिफिनीशन हम आपको बता देंगे बाद में, या हम व्हाट्सएप से आपको भेज देंगे। तो थोड़ा सा भी केवल समझते चलते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में क्या, हम लोग ने इतना जाना कि जब किसी भी मेटल से या किसी भी मतलब कंपाउंड से ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाएगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा। कैसे जुड़ेगा, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने बताया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आप नॉर्मल बोल सकते हैं किसी भी कंपाउंड में, एनी कंपाउंड एडिशन ऑफ, जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है वो क्या कहते हैं, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक। थोड़ा समझते हैं। जैसे कार्बन है, ये क्या लिखा हुआ है, कार्बन। तो कार्बन में क्या हुआ है, देखिए ऑक्सीजन ऐड हो गया, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो ये क्या बन गया जाके, कार्बन डाई ऑक्साइड। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, कार्बन डाई ऑक्साइड बन गया, इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। डाई क्यों लगा, ये हमने बताया था आपको कि एक बार क्या लगता था, एक में क्या लगता था, मोनो, और दो में क्या लगता था, डाई। एक में मोनो और दो में डाई, एक में मोनो दो में डाई, और तीन में ट्राई, चार में टेट्रा, बताया था अगर आपको ध्यान हो तो, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है कहीं CO, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, CO, CO2 को तो हम लोग कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या, सी को क्या बोलते हैं, कार्बन। अब ऑक्सीजन देखो कितना, एक है, तो एक में क्या लगेगा, मोनो, O को पढ़ते हैं ऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड। CO को क्या बोलेंगे, कार्बन मोनो ऑक्साइड, और CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें देख लीजिए ये क्या है, अब नाम बताइए इसका, CO का नाम क्या है, CO का नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, इसने ऐड किया, तो ऑक्सीजन के साथ ऐड किया, फिर से क्या बना दिया इसने, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी आप अगर आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ऑक्सीजन ऐड हो रही, तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब जिस प्रकार जैसे इसने क्या हुआ है, कार्बन ने ऐड किया ऑक्सीजन को, सेम है सल्फर ऑक्सीजन के साथ ऐड होगा, तो ऐड होके क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे इसका नेम सेम एज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए, एक तो हमने बताया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन जुड़ जाता है तब भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और जैसे रिमूव हो जाता है, कहीं पर क्या होता है, जब हाइड्रोजन हट जाता है, हाइड्रोजन का जो दूर होना, जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का क्या होना, हटना, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है। चलो देखते हैं ज़रा, ठीक। अब देखो यहाँ पर H2S, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या हुआ है, Cl2 से अभिक्रिया किया, Cl2 से अभिक्रिया करने पर यहाँ से आप गौर से देखिए, इतना H2 और
Cl2, तो 2HCl हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पर देखो H2S जो है, H2S यानी हम कहें कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन जो हुआ है, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2S का, हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हुआ है। हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्यों, क्योंकि इससे H क्या हो गया, H क्या हुआ है, देखो हट गया है, S अलग हो गया और H क्या हो गया, हट गया, इसलिए इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, इसका H2S का। अब इसमें देखो CH4, देखो H है इसमें, तो देखो C के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया और H इससे क्या हो गया, हट गया। तो यहाँ पर देखो जरा CH4 को अगर हम कहें कि CH4 में क्या हुआ है, तो CH4 में क्या हुआ है बताओ भाई, ऑक्सीडेशन हुआ। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, यानी हाइड्रोजन का हटना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, दोनों जो प्रोसेस हैं वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल आपके सामने है, तो इसको आप क्या करिएगा, अगर नहीं राइट किया है तो राइट कर लीजिएगा, और डेफिनेशन वगैरह हम आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे, इतना आप इसको लर्न करेंगे। ठीक, आज के लिए इतना।